नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं शाम की कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर में कल से बढ़ेगी सर्दी, सुबह बारिश हुई, 10 दिन बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आया। प्राइवेट बस में कंडक्टर ने किया महिला यात्री से रेप, खाली बस में बंधक बनाकर रात 3 बजे तक दरिंदगी की। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की नई चार्जशीट, लालू की एक और बेटी हेमा समेत 7 को बनाया आरोपी, 16 जनवरी को सुनवाई। एमपी राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज कोहरे का अलर्ट, हिमाचल में बर्फबारी, एमपी के 9, पंजाब के 12, हरियाणा के 13 शहरों में बारिश संभव। सोनीपत में दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की मौत, जींद झज्जर के रहने वाले, नेशनल हाईवे पर ट्रक में घुसी कार, रणवीर इकलौते बेटे थे। 14 महीने बाद T20 में क्यों लौटे विराट, रोहित दोनों का T20 कप में खेलना तय, द्रविड को भी इसी वजह से मिला एक्सटेंशन। शूटिंग छोड़कर मृतक फैंस के परिवार से मिलने पहुंचे यश, फैंस से सुरक्षित रहने की अपील की, जन्मदिन पर हुई थी 3 फैंस की मौत। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना, बोले आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई सरकार। मंदिर में 2 लड़कियों ने की शादी, 2 साल लिव इन में पति पत्नी की तरह रही, ऑर्केस्ट्रा में काम करने के दौरान दोस्ती या फिर प्यार। पाकिस्तान चीन में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान बोला ये भेदभाव और मनमाने पैमानों पर आधारित। पहले आसमान में दरवाजा टूटा, अब बोल ढीले मिले, बोइंग 737 मैक्स विमानों पर यूनाइटेड एयरलाइंस की शिकायत, 346 लोगों की जान ले चुका विमान। सीएम शिंदे बोले बाला साहेब होते तो मोदी की पीठ थपथपाते, राम मंदिर आर्टिकल 370 हटाना उन्हीं का सपना था, पीएम के वजह से साकार हुआ। पजामा पार्टी में नूपुर ने किया लुंगी डांस, आयरा की कजिन ने गाया रोमांटिक सॉन्ग, आज शाम संगीत सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे आमिर खान। इंडिगो ने सीटों के लिए तय किए रेट्स, फ्रंट विंडो सीट के लिए 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे, पिछले हफ्ते एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया था। भारत मालदीव विवाद से लक्षद्वीप से जुड़ी कंपनी को फायदा, प्रवीक का शेयर 20% चढ़ा, लक्षद्वीप के लिए सर्च 3400% बढ़ी। राजस्थान में सीजन की पहली मावट, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में घना कोहरा, आज 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। 2 बदमाशों ने लोहे के पाइप से तोड़ा शीशा, मामला दर्ज। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर, तब तक के लिए नमस्कार।